बैठ के योग कैसे करना है, क्यों योग चाहिए। डॉक्टर ने दवाई दिया, दवाई सवेरे लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, खाली पेट पर लेना चाहिए कि खाने के बाद लेना चाहिए, ये कौन बताएगा? डॉक्टर को पूछेंगे ना। तो यहां भी ज्ञान सुनने के बाद कैसे योग करें। सामने वाला बहुत गुस्सा करता है, कब तक चुप रहे, प्रश्न आ रहा है, तो उसका निवारण चाहिए। तो इसके लिए एक एक विषय पर सवेरे शाम को कल परसों तीन दिन के लिए, तीन दिन तक आप प्रश्न पूछना, एक एक विषय पर आपको स्पष्टीकरण मिलेगा। सबसे पहले है योग, उसको कहते हैं मैदर। बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटे याद करो, याद, योग और तपस्या, तीन चीजें हैं। या चलते फिरते खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, रस्ते पर जाते हो, आपने देखा कोई साधु संत रस्ते पर जाता है, हाथ में माला होती है, राम 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 करते जाएगा, इधर उधर देखता भी जाएगा, है ना, हाथ में माला, मुंह में भगवान का नाम, तो भक्ति कहते हैं। किसी को देखते हुए भी मन में मुख में चल रहा है राम राम, चल रहा है माला, चल रहे, लेकिन ये भक्ति है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी संसार में चलो, रस्ते पर चलो, किसी नजर गई, कोई भी हो, कितना भी खराब व्यक्ति हो, बहुत दुख देता है, बहुत गुस्सा करता है, तो पत्थर मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो यहां नंबर वन राज योग है। औरों के प्रति शुभ सोचो, कैसे सोचो, कैसे औरों के प्रति शुभ सोचे, तो विधि इसको राज योग। रस्ते पर जाते हो, घर में बच्चे सुनते नहीं, पढ़ते नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्या करें, गुस्सा करें, कितने दिन गुस्सा करेंगे, कितना दिन मारेगा। रस्ते पर कोई पति गुस्सा करता है, शराब पीता है, गुस्सा करता है, दुख देता है, क्या करें। तो बाबा ने स्वयं निराकार शुभ बाबा ने सृष्टि पर आकर सबसे समझ रहा जो कुछ बच्चा आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे से लेके मदद करो, औरों को दान करो, कैसे करो, विधि बताए। किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको शांति की शक्ति दे दो। आपके पास तो नहीं, किसी के पास है, किसी साधु संत के पास भी जाओ वो भी नहीं कहता मैं ठीक करता हूं, भगवान आपका भला करेगा। डॉक्टर भी कहेगा मैं दवा देता हूं, दुआ उसकी चाहिए, दवा और दुआ, है ना। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन राज योग।